हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रिया। तो हमारी जो क्लास चल रही है CTET UGC नेट की कंप्लीट क्लास हम यहाँ कर रहे हैं, तो उसमें आज का टॉपिक है क्रिया, जिसमें हम क्रिया के भेद और हिंदी की वाक्य रचना देखने वाले हैं। इससे पहले हमने विशेषण देखा था, उसके पहले संज्ञा देखा था और सर्वनाम देखा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज है क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जैसे पढ़। इसमें अगर हम धातु में ना जोड़ते हैं तो पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिख में ना जोड़ेंगे तो लिखना हो जाएगा, चल में ना जोड़ेंगे तो चलना हो जाएगा। तो यह थी क्रिया की परिभाषा। क्रिया के भेद, मुख्य रूप से क्रिया भेदों के दो आधार हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है। रचना की दृष्टि से भी क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम यहां सकर्मक क्रिया देखते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, मतलब कंजिका को छोड़कर क्या बनाती है। यहां पे उदाहरण है, कंजिका चित्र बनाती है, कर्णिका नृत्य करती है। तो यहां पे इन वाक्यों में बनाना और करना क्रिया का फल, जो क्रिया का फल है वह क्रमशः चित्र और नृत्य पर पड़ता है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। इसी प्रकार अकर्मक क्रिया, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है तब उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, रति हंसती है, जिगीसा गाती है। तो यहां पे जो क्रिया है वह संज्ञा रति और जिगीसा पर ही फोकस करता है। तो इन वाक्यों में हंसती और गाती है के कर्ता रति, इन वाक्यों में हंसती और गाती के कर्ता रति और जिगीसा पर ही क्रियाओं का फल रहता है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक हैं। अब दूसरा जो हमारा था क्रिया के भेद का अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद निम्न है। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, जैसे उदाहरण है, रमणी सो चुकी है, रेखा सोने लगी, वह घर पहुंच गया। उपरोक्त वाक्य में चुकी, सोने लगी और पहुंच गया, सोने लगी और पहुंच गया संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया की यह विशेषता है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। फिर है सहायक क्रिया। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती हैं उन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं, जैसे सापेक्ष आया है। यहां मुख्य क्रिया आया तथा सहायक क्रिया है, सापेक्ष आया है। नाम बोधक क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है, भस्म करना संज्ञा क्रिया, दुखी होना या निराश होना विशेषण क्रिया है। तो भस्म करना संज्ञा क्रिया है और दुखी होना, निराश करना विशेषण क्रिया है। नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं है। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा या विशेषण के मेल से बनती हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, उसने पढ़कर भोजन किया। इस वाक्य में पढ़कर
पूर्वकालिक क्रिया है। इस वाक्य में पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इससे पढ़ने की क्रिया की पूर्णता के साथ ही भोजन करने की क्रिया शुरू होती है। क्रियार्थक संज्ञा क्रिया, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तब वह क्रियार्थक संज्ञा क्रिया कहलाती है। उदाहरण है, टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इस वाक्य में टहलना क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है। टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, तो टहलना क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य को उसको करने की प्रेरणा दे रहा है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, मालिक नौकर से काम करवाता है। उपरोक्त वाक्य में अध्यापक और मालिक प्रेरक करता है जबकि छात्र और नौकर प्रेरित करता है। उठवाना कटवाना चलवाना लिखवाना पढ़वाना चटवाना मिलवाना रखवाना दिलवाना जगवाना आदि प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो दोस्तों यह थी क्रिया और क्रिया के भेद। अगला टॉपिक है हिंदी की वाक्य रचना। तो हिंदी की वाक्य रचना, भाषा हमारे भावों विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की रचना वर्णों शब्दों और वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार वाक्य शब्दों के समूह का नाम है, लेकिन सभी प्रकार के शब्दों को एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते, जैसे कक्षा पत्र लिख राम, ये चार शब्द हैं, लेकिन इन्हें वाक्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनमें आवश्यक क्रम की कमी है तथा अर्थ की दृष्टि से इनमें पूर्णता का अभाव है। राम ने कक्षा में पत्र लिखा वाक्य है क्योंकि इसमें शब्द आवश्यक क्रम में है और यह पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। तो यह वाक्य की परिभाषा है। वाक्यों के प्रकार और भेद देखते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण या वाक्यों का प्रकार, वाक्य में रचना और उसके अर्थ का विशेष महत्व है, अतः प्रमुख रूप से वाक्यों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है रचना के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर वर्गीकरण है, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य है, सरल वाक्य को साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए तथा एक विधेय जो कहा जाना है होता है, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में एक ही कर्ता मतलब एक ही उद्देश्य तथा एक ही क्रिया मतलब एक ही विधेय है, अतः यह वाक्य सरल या साधारण वाक्य है। दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, वाक्य में श्याम ने लिखा है प्रधान उपवाक्य है एवं वह कल आ रहा है आश्रित उपवाक्य है तथा दोनों समुच्चय बोधक अवयव की से जुड़े हैं, अतः यह मिश्र वाक्य है जिसमें एक या एक से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य अगर जुड़े हों तो वहां मिश्र वाक्य होता है, अवयव के साथ ज्यादातर वो जुड़े होते हैं। फिर है संयुक्त वाक्य, वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, चाहे वह मिश्र वाक्य हो या साधारण वाक्य हो, और वे संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह लखनऊ गया और शाल ले आया, इस वाक्य में दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं तथा और संयोजक द्वारा जुड़े हैं, अतः यह संयुक्त वाक्य है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। तो सरल वाक्य एक ही कर्ता होता है उसमें एक ही उद्देश्य होता है, मिश्रित वाक्य जिसमें दो वाक्य होते हैं, और फिर जो संयुक्त वाक्य है उसमें एक या एक से अधिक मिश्र वाक्य होते हैं, उसमें एक या एक से अधिक सरल वाक्य भी हो सकते हैं। तो यह था हमारा रचना के आधार पर वर्गीकरण।
अब देखते हैं अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य होने का बोध होता है विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है श्याम आया, तुम लोग जा रहे हो। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के ना होने अथवा इनकार किए जाने का बोध होता है निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, राम नहीं पढ़ता है, मैं यह कार्य नहीं करूंगा। आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। श्याम पानी लाओ, यहीं बैठकर पढ़ो। विस्मय वाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है विस्मय वाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, अरे वह उत्तीर्ण हो गया, आहा कितना सुंदर दृश्य है। फिर है संदेह वाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है संदेह वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, वह अब जा चुका है, महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, यहां कंफर्म नहीं है तो संदेह उत्पन्न हो रहा है। जहां संदेह होगा वहां संदेह वाचक वाक्य होगा। इच्छा वाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है इच्छा वाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आप जीवन में उन्नति करें। फिर है संकेत वाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का संकेत या इशारे का बोध होता है संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, आपका क्या नाम है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा हिंदी की वाक्य रचना पूरा होता है और यहाँ पे हमारी जो दूसरी यूनिट है वह भी पूरी हो जाती है। तो कल हम देखेंगे हमारा जो प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर उस सुझाव को कमेंट करें। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में हम हिंदी साहित्य पर भी कुछ वीडियोस, प्रश्नोत्तरी या क्विज लेकर आने वाले हैं। तो हमें सुझाव दें कि किस तरह से हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।